Good morning, students. Yesterday we have seen the integrated rate law equation for zero order reaction, and we have seen one example, that is breakdown of ammonia into nitrogen and hydrogen. This is example of zero order reaction, and we have seen graph of zero order reaction in which the rate of the reaction is equal to k. It is equal to k because the concentration of ammonia rate doesn't depend on the concentration of ammonia, it is independent of the concentration of ammonia, that's why it is zero order reaction. Okay, so it is equal to k. K is the slope of this negatively decreasing graph. Since this is a straight line, so slope is always constant here. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, तो के की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट होगी एंड इट इज़ नेगेटिव बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग ग्राफ. ठीक है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कम होती है, हम जानते हैं, हमने रिएक्टेंट टू टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, सो आप देख रहे हो कि के की वैल्यू यहाँ नेगेटिव ऑफ स्लोप होगी, और के की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर अपॉन टी. आर जीरो माइनस आर मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया माइनस at a particular time t the concentration of molar concentration of ammonia divided by time t. तो ये k की value होगी, that is graph, that is slope of this graph, और यही हमारे rate की भी value होगी for the zero order reaction. ठीक है, so today we will see the first order reaction, integrated rate law equation for the first order reaction. First order reaction में क्या difference होता है बेटा? First order reaction में ये होता है कि rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant. ठीक है, zero order के लिए तो जो कुछ लिखना है आपने लिख लिया, examples भी लिख लिया है. आज हम लोग first order के लिए लिखेंगे. आप first order heading डाल करके ये बात सबसे पहले लिखेंगे, the rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant R. ठीक है, तो आप इसको अगर आप इसको इस सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. ठीक है, पी आप लिखें, चाहे आप इसको रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन रिएक्टेंट रिएक्टेंट हम दोनों आर आर लिखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं लगेगा ना, इसलिए हमने रेट को रिप्रेजेंट किया है प्रोडक्ट से. ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट. ठीक है, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे घटती जाएगी वैसे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी रेट होगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू वन है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना. अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इसको इसका हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए पहले हम लोग इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे. ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? माइनस डी आर बाई डी टी. रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर हम लिखें तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है माइनस डी आर बाई डी टी. ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, अब डी आर बाई डी टी इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी के आर, क्योंकि आर के प्रोपोर्शनल, मतलब अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई डी हटाई तो हमें एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट विल बी स्मॉल के हियर. ठीक है, स्मॉल के इज द रेट कांस्टेंट. ठीक है, तो डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं किया गया, आर को नीचे ले आया है और डी टी को इधर ले आया. ठीक है, ट्रांसपोज किया गया. अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, इस इक्वेशन का अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. बच्चों, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, यू नो बेटर इंटीग्रेशन देन मी, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ठीक है, तो हमने जब ये इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये इंस्टेंटेनियस रेट, ये डेल आर बाई डेल आर बाई आर दैट इज इक्वल टू एल एन आर. ठीक है, इसको हम लोग वी कैन राइट दिस इन आफ्टर इंटीग्रेटिंग एज एल एन आर. ठीक है, और के डी टी दैट विल बी इक्वल टू के टी प्लस आई. आई इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हियर. ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जब हम बताते हैं तो वहाँ एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, यहाँ ऐड किया हमने प्लस आई. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, टी की वैल्यू जब आप ज़ीरो रखोगे, व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ द टी ज़ीरो हियर इन दिस इक्वेशन, यू विल सी आर विल आल्सो बिकम आर नॉट, क्योंकि टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ज़ीरो टाइम पे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही होगी,
रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, ठीक है। तो आर नॉट हमने वहाँ पुट कर लिया एल एन आर की जगह, और के एस आर टी की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। आई तो कॉन्स्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखोगे के इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और एल एन आर नॉट दैट विल बी इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमें मिल गई एल एन आर नॉट। अब ये आई के वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको समझने में। हमने यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे हमने इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट की, तो उससे क्या हुआ, हमें आई की वैल्यू मिल गई, और वही आई की वैल्यू हम यहाँ से सीधे इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें एक इक्वेशन मिल गया एल एन आर दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ठीक है। एल एन आर और एल एन आर नॉट को आप इस आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक ही तरह से, ठीक है। एल एन आर नॉट कैन बी रिटन एज एल एन आर अपॉन आर नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप एक साइड में करने के लिए। तो आपने ऐसे लिख लिया, तो अब हमारा इधर बचा क्या, सिर्फ माइनस के टी, ठीक है। अब माइनस के टी है, अब हम टी को भी उधर ले जाएंगे, ठीक है, और हम माइनस को हटाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो हमें ये वैल्यू रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम माइनस को रखना चाहते हैं तो हमारी ये वैल्यू एज इट इज़ होगी, ठीक है। तो हम माइनस को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने इधर सिर्फ के रखा, माइनस को हमें हटाना है तो टी को इधर भेजना है, वन बाई टी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हटाया हमने इसलिए ये हो जाएगा एल एन आर नॉट बाई आर। मीन्स पहले क्या था, इंस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, मोलर इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। तो ये हमें के की वैल्यू मिल गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी हम वो अपना पीछे वाला रिएक्शन फिर से देखेंगे। अब यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में, ये जो हमने रिएक्शन देखा था, इसमें हम टी की वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग पुट कर सकते हैं। जैसे हमें टी वन टाइम पे चाहिए तो यहाँ आप टी वन पुट करिए, यहाँ आर वन पुट करिए, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी। टी टू टाइम पे चाहिए, यहाँ टी टू पुट करिए, यहाँ पे आर टू पुट करिए, ठीक है, आपको सब वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए, जैसे यहाँ पे आर वन आर टू करके उसी इक्वेशन में टाइम टी वन टाइम टी टू, तो ये हर एक एक टाइम पे, हर एक एक इंस्टेंट पे आप अलग अलग रेट तो नहीं निकालोगे ना, पूरे इक्वेशन के लिए हम एक साथ रेट निकालेंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी द इंस्टेंट सॉरी दैट विल बी द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने वही निकालने की कोशिश की है, यहाँ आर वन टाइम पे आप देख रहे हो ये हो जाएगी वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ सकते हो। आर टू टाइम पे ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको अगर इसका डिफरेंस लेना चाहें, ठीक है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप जान रहे हो कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसका मतलब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब आप इस इक्वेशन में से जब इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर वन, आर वन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, आर वन की वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस एल एन आर टू विल बी इक्वल टू के अभी आपने इसमें से इसको माइनस किया, माइनस के टी वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के टी टू, ठीक है। और ये जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये क्योंकि एक प्लस साइन के साथ आएगा एक माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस के टी टू, ठीक है। लेट अस सी दिस, यही लिखा हुआ है, नहीं देखिए यही लिखा हुआ है ना, माइनस के टी वन और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया है, प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो आप इसमें से के अगर कॉमन लोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, के आपने कॉमन लिया, यू विल फाइंड कि आपने कॉमन लिया, टी टू प्लस साइन के साथ होगा और टी वन माइनस साइन के साथ होगा, तो अंदर की वैल्यू हो जाएगी टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल गया, अच्छा लॉगरिथम फॉर्म में माइनस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो आपने ये एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू जो लिखा है दैट विल बिकम एल एन आर वन बाई आर टू,
ठीक है, तो ये हो गया एल एन आर वन बाई आर टू, के आपने कॉमन लिया, टी टू माइनस टी वन, ये इक्वेशन हमें मिल गया। धीरे धीरे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आप देखिए, ये इक्वेशन हमें पहले मिला था ना, यहाँ पे कहाँ पे मिला था हमें ये एल एन आर बाई आर नॉट माइनस के टी, एकदम स्टार्टिंग में हमने ये इक्वेशन देखा था। कहाँ देखा था हमने, ये एल एन आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है बच्चों? सॉरी, ये हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन मिला था ना। इस इक्वेशन को हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट अस सी। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब आप इसको, ये तो लॉगरिथम फॉर्म में है, आप इसको एंटी लॉगरिथम ले सकते हो। एंटी लॉगरिथम आप मैथ्स में पढ़ते होगे, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है एंटी लॉगरिथम, तो जब आपके स्कूल ओपन होंगे मैं आपको एंटी लॉगरिथम भी अच्छे से बता दूंगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, एंटी लॉगरिथम में अगर हम एल एन को कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, इधर की जो वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये इक्वेशन एक ही तरीके से है, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एंटी लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम ई को हटाते हैं, ई को हटाने के लिए हमारी वैल्यू आती है, हमें पुट करना पड़ता है 2.303। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? अब आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, अब जब आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 4.9 इक्वेशन की बात हो रही है अभी। 4.9 का है, ये है हमारा, ये है 4.9, मतलब इस इक्वेशन को अगर आप, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन हमें मिल गया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, आप इसको देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, फॉर मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करो, यू विल गेट एल एन आर इज इक्वल टू, ये आपका y हो जाएगा, एम एक्स, एम की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, x की वैल्यू t, और c क्या होगा, c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है जो स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, स्लोप का, जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ में एक इंटरसेप्ट होता है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और जो जीरो पोजीशन है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू देगा हमें एल एन आर नॉट। तो इसी चीज़ को यहाँ इस फॉर्म में दिखाया गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ किया गया। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, लेट अस रब मी दिस फर्स्ट, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। आई एम नॉट एबल टू रब दिस, सॉरी, ओके, डिस्कार्ड दिस। ओके, क्लियर। कहाँ तक पहुँचे थे हम? हमने वो इक्वेशन देखा, ये हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमें ये मिल गया था, है ना? दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन 4.9। ठीक है, ये है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पोर्शन, ये इक्वेशन। ठीक है, इसको प्लॉट करने की भी कोशिश करेंगे हम। अच्छा, जब इसको बच्चों हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, अब इस ln को हम, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ln से जब हम इसको log में, सिंपल log में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, हम देखते हैं, देखेंगे इसको। जब आप इसको सिंपल log फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था ना, यहाँ से इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया था ना,
अब इसको अगर इसको आप सिंपल लॉग ln को आप लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि विल बी इक्वल टू 1/t, इधर जाएगा ये ln r/r0 को हम जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे हमें 2.303 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और ln की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी दिस। देखिए जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 1/t इंटू 2.303 लॉग हो गया और वो r0/r कैसे हो गया, क्योंकि ये माइनस वैल्यू भी हमने हटाई है। ठीक है, तो आप जब इस ln को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ln को हटाने के लिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2.303। ठीक है, ln कन्वर्ट हो गया log में। अब क्या करेंगे, हम log लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे r/r0। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सॉरी मुझे क्लियर लिखने दो पहले आप। ठीक है, 2.303 मैं यही लिख दे रही हूँ, 2.303। ठीक है, log r/r0 यही है ना। अब यहाँ पे हमने माइनस साइन ही रखा है, अब हम माइनस साइन भी रख लेंगे लेकिन माइनस को हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे वैल्यू को, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये आर नॉट बाई उल्टा हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ इक्वेशन। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है वो इक्वेशन। नीचे देखिए यही इक्वेशन है ना, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r/r0/r। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको k की वैल्यू मिल जा रही है, k की वैल्यू हो जा रही है k अपॉन 2.303। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा इस ग्राफ। अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, हमने देखा ही है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है बच्चों, एक साथ आपको बहुत हैवी भी होगा, कल इसका ग्राफ हम लोग कल डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम्पल भी कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ और एग्जाम्पल कल देखेंगे हम लोग। आपको मैंने ऑर्डर लिखना भी बताया है, रिएक्शन की ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिएक्शन से, तो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे कल थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे रेट फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको, सॉरी ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं कल बताऊंगी मैं। कल हम लोग यहीं एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ तक अपनी कॉपी में बिल्कुल कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। अभी आपको ज़्यादा काम मैंने कुछ भी नहीं दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन एक बार रफ में एक अपने से करके समझ लेना है फर्स्ट ऑर्डर। मैंने आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बातें बताई हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बताया, यहाँ से यहाँ तक बताया है मैंने सिर्फ आपको। ठीक है, तो आपको इसको एक बार रफ में करके प्रैक्टिस करना है। कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है आप मेरे से पूछिए, नहीं होता है कन्फ्यूजन तो आप इसको फिर से फेयर में एक बार उतार लीजिए, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा और आपको ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ इक्वेशन, जो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा जाता है, तो आप इतना करिए, कल हम लोग इसके ग्राफ से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।